हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल घर परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें, मगर उससे पहले हम जानेंगे कि हमें बच्चे में रीडिंग हैबिट क्यों डेवलप करनी चाहिए और उससे क्या बेनिफिट होते हैं। जिन बच्चों का रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, उन बच्चों की वोकैबुलरी बहुत हाई होती है, उनका रिटन और स्पोकन लैंग्वेज पर बहुत अच्छा होल्ड होता है। इसके साथ ही जिन बच्चों को रीडिंग की हैबिट अर्ली एज में पड़ जाती है, उनकी मेमोरी बहुत हाई होती है। ये बात मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चों की मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए और उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके साथ ही बुक रीडिंग से बच्चों के एकेडमिक्स में भी बहुत फायदा होता है। बट हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अपना होता है। कुछ एक बच्चे का नेचुरली रीडिंग में इंटरेस्ट होता है और कुछ एक बच्चों का नहीं होता। अगर आपका बच्चा भी सेकंड कैटेगरी में आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एक मेथड्स फॉलो करके हम अपने बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं मेथड्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट मेथड है रीड अलोंग, उनके साथ पढ़ें। बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करने का बेस्ट तरीका है कि पेरेंट्स भी उनके साथ पढ़ें। इसके साथ ही आप घर में डिफरेंट तरह की अच्छी अच्छी बुक्स ला कर रखें, ताकि बच्चे को समझ आए कि रीडिंग सिर्फ स्कूल में ही नहीं होती, रीडिंग घर में भी हो सकती है। आप एक ऐसा टाइम सेट करें जिस समय आप सब साथ में बैठकर बुक रीड कर सकें, क्योंकि बच्चे वो ही चीज़ें करते हैं जो हम पेरेंट्स करते हैं, ना कि वो जो हम उन्हें करने के लिए बोलते हैं। आप रात को सोने से 15 से 20 मिनट पहले बुक रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम मदर फादर और बच्चों सबके साथ में बैठकर बुक रीड करने के लिए सूटेबल है। अगर बच्चा छोटा है, वो खुद बुक रीड नहीं कर सकता, तो मदर को चाहिए कि वो बच्चे के लिए बुक रीड करे। जब आप छोटे बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो आप कुछ एक्शन यूज़ करें। आप अपने बोलने की टोन चेंज कर सकते हैं, किसी एनिमेटेड वे में स्टोरी सुनाएं, ताकि बच्चा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, वो स्टोरी में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े। इसके साथ ही आप स्टोरी को उसके रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ उसको लंबे समय तक याद रहे। हमारा सेकंड मेथड है बाय बुक्स ऑफ देयर चॉइस, बच्चों की चॉइस की बुक्स लें। आप अपनी किसी भी लोकल लाइब्रेरी में जाकर बच्चे के लिए बुक्स ले सकते हैं। अगर आपके घर के पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है, तो आप किसी भी बुक स्टोर से बुक्स ले सकते हैं, नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी सब तरह की बुक्स मिल जाती हैं। मगर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुक्स आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लें, नहीं तो कोशिश करें कि बच्चे को खुद से ही बुक सिलेक्ट करने दें। अगर आपका बच्चा कॉमिक्स लेना चाह रहा है तो उसको कॉमिक्स लेने दें। आप उसको ये मत फोर्स करें कि नहीं बेटे तुम पहले साइंस से रिलेटेड ही कोई बुक लो, नहीं तो बच्चे का स्टार्टिंग से मोरल डाउन हो जाएगा और उसका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। थर्ड मेथड है डिस्कस द बुक, बुक को डिस्कस करें। अगर आप छोटे बच्चे को स्टोरी सुना देते हैं, तो बाद में भी आप बच्चे के साथ स्टोरी को डिस्कस करें, और जो बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली बुक रीड कर सकते हैं, उनके साथ भी आप बुक डिस्कस करें, उनसे क्वेश्चन पूछें। क्योंकि जब बच्चे काफ़ी लंबे समय तक आइडली बुक रीड करते रहते हैं, तो उसके थोड़े समय बाद वो बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, स्टोरी में जो भी करेक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चे बोर नहीं होंगे। इसके साथ ही उनको स्टोरी भी रिमाइंड हो जाएगी और हमें भी पता चलेगा कि बच्चा कितना ग्रास्प कर रहा है। और हमारा लास्ट मेथड है प्रेज देम, उनकी प्रशंसा करें। बच्चे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करें, उनको मोटिवेट करें। और इवन कि आप बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं, जब वो अपनी एक बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको एक छोटा सा गिफ्ट दें। मगर इस बात का ध्यान रखें कि उनकी इस चीज़ को उनकी हैबिट मत बनाएं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट में एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप सच में अपने बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको खुद को सीरियसली उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब साथ में बैठकर बुक रीडिंग करते हैं, जिससे मेरे बेटे का रीडिंग में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।